नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M31s। दोस्तों हाल ही में इसका अपडेट आया है, मेन सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले कि अपडेट के बाद इस फोन को फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है 0 to 100%। तो यहाँ पे जो फोन है पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुका है, स्विच ऑफ है यह फोन। तो इसके पहले भी मैंने जितने भी चार्जिंग स्पीड टेस्ट किए हैं M31s में, उसमें कभी भी इस फोन को 1 घंटे 50 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगा है। मतलब इस बार भी इस फोन को 1 घंटे 50 मिनट के अंदर ही फुल चार्ज हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर भी नोट करूंगा चार्जिंग के दौरान, और जो हर 20% के बाद यहाँ पे टाइम नोट करते रहूंगा। तो मैं यहाँ पे इसे इसी के ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करूंगा। 25 वोल्ट का ये चार्जर है जो आपको बॉक्स में मिल जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे फोन को प्लग इन कर दिया है चार्जर के साथ, और जब फोन 1% चार्ज होगा तब मैं इसे ऑन करूंगा। AOD ऑन रहेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जो बोर्ड है उसकी स्विच ऑन, और यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट। दोस्तों फोन यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो चुका है 100%, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसे फुल चार्ज होने में लगे हैं 1 आवर 47 मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 1 घंटे 50 मिनट के पहले ये हो जाना चाहिए, और ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया फोन जो था ऑन था, लेकिन इसके जो कनेक्शन थे मोबाइल डेटा वाईफाई लोकेशन सिंक सभी ऑफ थे इसमें। हालांकि मैंने AOD ऑन रखा था, तो जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम में जो चार्जिंग स्पीड टेस्ट की थी उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम निकल के आया है। अगर आप यहाँ पे लैब की बात करोगे तो 0 to 20% 17 मिनट्स में, फिर 20 to 40 17 मिनट में, 40 to 60 18 मिनट में, और फिर 60 to 80 19 मिनट में, और फिर 80 to 100 उसे लगे हैं 36 मिनट्स ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे लास्ट वाले को ऑलमोस्ट डबल का टाइम लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप 80% अपने फोन को चार्ज करते हो तो यहाँ पे लगते हैं 1 घंटे और 11 मिनट, इसमें आपको 80% मिल जाता है, और पूरे चार्ज होने के लिए लगते हैं 1 आवर 47 मिनट। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपडेट के बाद भी अपने फोन को उसी स्पीड में चार्ज कर सकते हो जैसे पहली स्पीड होती थी। तो यहाँ पे कोई भी चार्जिंग स्पीड में इश्यू नहीं है। अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करते हो तो हो सकता है कि आपका फोन ठीक से 100 मिनट्स में, मतलब 1 घंटे और 40 मिनट में फुल चार्ज हो सकता है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आप कोई इश्यू फेस कर रहे हो, अगर आपके फोन को चार्जिंग के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है इस समय से ज्यादा, अगर आपके फोन को 2 घंटे तक चार्जिंग के लिए टाइम लग रहा है स्विच ऑन कंडीशन में तो नॉर्मल है, अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो आप वाइप कैश पार्टीशन कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।